बिहार में सावधान एनडीए। बिहार में आने वाला है एक और सियासी बवंडर। बिहार में और टूटने वाला है एनडीए खेमा। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ खंड खंड होने के बाद बीजेपी के लिए एक और सन्न कर देने वाली खबर आ रही है। यहां के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि बिहार में एनडीए के खेमे में और टूट फूट होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए के कुछ सहयोगी सांसद नीतीश की राह पर निकलने की तैयारी में हैं। अगर इस तरह की चर्चाओं में वाकई दम है तो 2024 के आम चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के लिए ये शुभ संकेत नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद कुछ ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि बीजेपी यहां नए सिरे से पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की तैयारियों में जुटेगी। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से एनडीए के तीन सांसदों का इस खेमे से मोहभंग होता दिख रहा है, उसे बीजेपी के लिए ठीक नहीं माना जा रहा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक आरएलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। चर्चाओं के मुताबिक आरएलजेपी के तीन सांसद महागठबंधन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसद चंदन सिंह, सांसद बीना देवी और सांसद महमूद अली कैसर जेडीयू को समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। आरएलजेपी के पास 5 सांसद हैं, यानी अगर 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो उसके पास 2 लोकसभा सांसद बचेंगे। आरएलजेपी से खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनके पुत्र प्रिंस राज सांसद हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में 2 फाड़ हो गया था, जिसके बाद लोजपा का एक धड़ा चिराग पासवान जबकि दूसरा धड़ा पशुपति कुमार पारस के पास आ गया था। लोजपा के 6 लोकसभा सांसद थे। पार्टी में बगावत के बाद पशुपति कुमार पारस को 5 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिससे वे मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। गौरतलब है कि बिहार में जेडीयू के बाद अविभाजित लोजपा बीजेपी के गठबंधन की साथी रही है, जिसका राज्य में मजबूत जनाधार भी है। लेकिन अब बिहार में एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। जेडीयू में एनडीए खेमे के कुछ सांसदों की जागती आस्था बीजेपी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि अब से 2 साल से भी कम के अंतराल पर आम चुनाव होने वाले हैं, जबकि उसके ठीक 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में बिहार में एनडीए की शक्ति कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने पहले ही किनारा कस लिया है, लिहाजा बिहार में इतने कम समय में ही खुद को प्रभावी ढंग से स्थापित कर पाना और आम जनता का रुख पलटकर बीजेपी की ओर कर पाना उसके लिए कम चैलेंजिंग नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी हाल ही में एनडीए की बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली सरकार गिरी है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी से हाथ मिला लिया था और इस तरह से बिहार में एक नई सरकार अस्तित्व में आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।